तेज प्रताप से मिले मुलायम सिंह यादव तो गले लगा कर रोने लगे, फिर महंगी गाड़ी छोड़कर साइकिल से चलने लगे मंत्री तेज प्रताप। मुलायम और तेज प्रताप का किस्सा सुनकर भावुक हुए सपाई। कब और कहां मिले मुलायम से तेज प्रताप, पूरी कहानी बताई। सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। पटना से लेकर लखनऊ तक इस खबर की चर्चा ने समाजवादियों को नेताजी मुलायम सिंह यादव की याद दिला दी है। हर दिन की तरह बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप ऑफिस जाने के लिए निकले तो उनके सुरक्षा कर्मी समेत सारा स्टाफ हैरान रह गया। ऑफिस वक्त पर जाना था, इसलिए उनमें से किसी ने कुछ नहीं पूछा और तेज प्रताप के साथ साइकिल पर सवार होकर साथ में चल दिए। थोड़ी ही देर में साइकिल पर तेज प्रताप की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। सभी यही जानना चाह रहे थे कि आखिर महंगी गाड़ियों से चलने वाले तेज प्रताप साइकिल से क्यों चलने लगे। तेज प्रताप ने साइकिल चलाने की जो वजह बताई, उसे सुनकर लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। वो बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि तेज प्रताप ने और क्या कहा। मंत्री तेज प्रताप ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सप्ताह में सभी को एक दिन साइकिल चलाने की जरूरत है, इससे पर्यावरण भी बचेगा। तेज प्रताप यादव ने राबड़ी आवास से विभागीय कार्यालय अरण्य भवन तक करीब 1 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाकर तय की, फिर साइकिल चलाकर आवास पर आए। अब ये देखिए, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें तेज प्रताप ने साइकिल चलाकर ऑफिस जाने की वजह बताई है। जिसमें लिखा है, आज दिनांक 22 फरवरी 2023 को सुबह मैंने स्वप्न में स्वर्गीय मुलायम सिंह को देखा। उन्होंने मुझे गले लगाकर स्नेहिल आशीर्वाद दिया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके दिखाए रास्ते पर आजीवन चलूं। आज मैं अपने मंत्रालय अरण्य भवन साइकिल से जा रहा हूं। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं जो तेज प्रताप ने बताई है। बिहार सरकार में मंत्री और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं सपने में वृंदावन जा रहा था। रास्ते में नेताजी का सैफाई गांव पड़ा तो सोचा कि एक बार वहां घूम लेता हूं। जब वहां पहुंचा तो देखा कि नेताजी कुछ नेताओं के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जब मुझे देखा तो कहा कि अरे तेज प्रताप, तुम यहाँ। उसके बाद हमने कहा कि पूरा गांव आपका हम घूमना चाहते हैं और साइकिल से ही घूमना चाहते हैं। तब उन्होंने 2 साइकिल मंगवाई, वो और मैं साथ में साइकिल चला रहे थे। उसके बाद घूमते वक्त किसी महिला ने नेताजी को अपनी समस्या बताई। महिला ने पूछा कि आपके साथ कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये तेज प्रताप जी हैं, ये बिहार से आए हैं। इसके बाद वहां पर नेताजी के साथ मैंने शादी का फंक्शन अटेंड किया, वहां पर भी लोग उनके साइकिल के साथ देख कर मुझे चौंक गए। मेरी नेताजी से पॉलिटिकल बातें हुई, उन्होंने मुझे कहा कि आप डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, आप आगे बढ़ गए, आपको मेरा आशीर्वाद है, आप बहुत ऊंचाई तक जाइए। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी घड़ी भी दी। घड़ी लेने के बाद मैं भावुक हो गया और मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। मैं रोने लगा तो नेताजी भी मेरे साथ रोने लगे। मैंने कहा कि नेताजी, आप हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। नेताजी ने कहा, मैं छोड़कर आप लोगों को कहीं नहीं गया हूँ, आप लोगों के बीच में ही तो हूँ। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सुबह करीब 9 बजे मैंने सपना देखा था। मेरे सपने में नेताजी मुलायम सिंह यादव आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की और हमारे मन में आया कि आज हम साइकिल से अपने विभाग चलते हैं। सपने में नेताजी ने खुद ही मेरे साथ साइकिल चलाई, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि सभी लोग साइकिल से चलें, इससे हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और पूरे देश की जनता उन्हें मिस करती है, लेकिन आज भी लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। अब तेज प्रताप ने नेताजी के रास्ते पर चलकर लोगों को खास संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ लॉन्चर।